टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी, उस वीडियो के अंदर हमने जो है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार के बारे में, ट्रैक मॉनिटरिंग में ट्रैक रिकॉर्डिंग कार के बारे में कुछ पैराग्राफ्स रीड किया था, 501 से पैराग्राफ 508 तक, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार से रिलेटेड। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा दोस्तों, इसी वजह से आज मैंने फिर इसी को मैनुअल का इंटरप्रिटेशन इसी को शुरू कर दिया है। आज हम पैरा 509 से आगे वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं रिपोर्टिंग ऑफ टीआरसी रिजल्ट्स यानी ट्रैक रिकॉर्डिंग कार के जो रिजल्ट्स हैं इनका इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या-क्या चीजें होती है आप उनके बारे में आज सीखिएगा। अब इसको अगर हम रीड करेंगे तो इसमें मैनुअल में क्या कहा जा रहा है, व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रैक पैरामीटर्स ऑनलाइन रिपोर्ट्स आर जनरेटेड। ट्रैक रिकॉर्डिंग जब होती है तो ट्रैक पैरामीटर जो है ऑनलाइन रिपोर्ट जनरेट होती है टीआरसी द्वारा। तो इसमें दो टाइप की रिपोर्ट होती है, पहला होता है ईच ब्लॉक ऑफ 200 मीटर और दूसरा होता है ईच ब्लॉक ऑफ एंटायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का पूरा एक रिपोर्ट बनता है और एक 200 मीटर यानी 200 मीटर यानी 1 किलोमीटर में 5 200 मीटर आ गए, तो 5 यूनिट में इस तरीके से 1 किलोमीटर को डिवाइड किया जाता है। इसमें जो है डिटेल्स हमको मिलती है, यानी माइक्रो लेवल पर अगर आपको कोई चीज देखना है तो आप क्या देखेंगे, डिटेल्स ऑफ एवरी ब्लॉक ऑफ 200 मीटर, और ऑन एन एवरेज अगर हमको ट्रैक में कहीं खराबी देखनी है तो पर किलोमीटर के हिसाब से हमें अंदाजा लग जाए, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है टीआरसी की बड़ी तेज चलती है तो ये दोनों रिपोर्ट ये देती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिटेल्स ऑफ एवरी ब्लॉक ऑफ 200 मीटर के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड करती है हमारी टीआरसी। तो सबसे पहली बात, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू ऑफ अनइवननेस ऑफ लेफ्ट एंड राइट रेल ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉर्ड, यानी कि यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू अनइवननेस के लिए ली जाएगी। दूसरा क्या डेटा लिया था, स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू ऑफ अलाइनमेंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट रेल अगेन शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉर्ड पे, यानी दूसरा पैरामीटर अलाइनमेंट के बारे में। तीसरा है एवरेज ऑफ वेरिएशन ऑफ गेज ओवर नॉमिनल गेज, नॉमिनल गेज हमारा 1676 है तो वेरिएशन कितना है गेज का, एवरेज 1676 के ऊपर जितना वेरिएशन होगा उसका एवरेज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन, जिसे मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग टू गेज यानी जिसको MIG बोलते हैं, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग टू गेज बेस्ड ऑन नीड बेस्ड मेंटेनेंस लेवल NBML एंड अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट UML। दोस्तों ये NBML, UML, PML यानी कि नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट, अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट, प्लांट मेंटेनेंस लिमिट, ये सारी चीजें हम आगे के जो पैराग्राफ्स में आपको हमें देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि तीन टाइप से मेंटेनेंस किया जाता है टीआरसी के रिजल्ट के बेसिस पे, तीन टाइप से मेंटेनेंस किया जाता है। एक होता है हमारा प्लान मेंटेनेंस लिमिट, यानी खराबी इतनी है कि इसको प्लानिंग करके काम किया जा सके। दूसरा है नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट, यानी कि जहां पर पैच वर्क या कह सकते हैं कि भाई खराबी हो रही है इसको जो है हमें अभी का अभी करना है। और तीसरा है अर्जेंट, यानी कि इसको तो करना ही करना है, यानी तीन तरीके से, एक है ज्यादा खराबी नहीं है लेकिन इसको प्लान करके हमें रेक्टिफाई कर लेना है, दूसरा है कि भाई खराबी पर्टिकुलर पैच में है इसको जल्द से जल्द कर लेने में फायदा, और तीसरा है अर्जेंट मेंटेनेंस, इसे करना ही है नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये हो गया मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग टू गेज, गेज के बारे में। अगला क्या रिकॉर्डिंग करता है हमारा टीआरसी 200 मीटर के पैच में, एवरेज स्पीड यानी 200 मीटर का जो वो ब्लॉक में गाड़ी चल रही थी तो उस वक्त गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या थी टीआरसी की। दूसरा अगला पॉइंट है राइड इंडेक्स, वर्टिकल एंड लैटरल राइड इंडेक्स ऑन कोच फ्लोर अबव बोगी पिवट एक्सेलरेटर लोकेशन, और टेस्ट व्हीकल अगर है तो उसमें लेजर कॉन्टेक्टलेस टीआरसी में, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में हमको राइड इंडेक्स यहाँ पर वर्टिकल लैटरल जो है वो यहाँ पे लिया जाता है। अगला क्या होता है पैरामीटर इंडेक्स फॉर अनइवननेस एंड अलाइनमेंट, चाहे वो शॉर्टकट का हो या लॉन्ग कॉर्ड, अनइवननेस इन लॉन्ग शॉर्टकट, अनइवननेस इन
लॉन्ग कॉर्ड, अलाइनमेंट ऑन शॉर्ट कॉर्ड, अलाइनमेंट ऑन लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स। दो टाइप के ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड होती है, TQIS यानी ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स ऑन शॉर्ट कॉर्ड, दूसरा है ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स ऑन लॉन्ग कॉर्ड। इसके अलावा एक चीज और जो रिकॉर्ड की जाती है वो है CTQI। व्हाट इज दिस CTQI? इसको हम ऐसा TQIC भी कहते हैं, यानी कॉम्पोजिट ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स फॉर सेक्शंस हैविंग स्पीड मोर देन 100 KMH। यानी कि ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स जो कॉम्पोजिट ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 KMH के ऊपर ही कैलकुलेट की जाएगी, उससे कम पर नहीं होगी। ओके, इसके साथ ही में जैसे हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग टू गेज। अब यहाँ पे मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ड ऑन PML एंड NVL। यहाँ पे नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट और अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट के आधार पर मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग टू गेज था। यहाँ पर जो है अनइवेननेस और अलाइनमेंट के बारे में मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन का डिटेल निकाला जाता है, जो डिपेंड करता है प्लांट मेंटेनेंस लिमिट और मेंटेनेंस नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट के आधार पर। ये हो गया दोस्तों हमारा 200 मीटर का जो हमारा ब्लॉक हुआ करता है, टीआरसी का जो हर 200 मीटर का जो ब्लॉक डिटेल आता है ये, उसके बारे में। अगला इसी में आगे हम पढ़ेंगे रिजल्ट रिपोर्टेड फॉर होल किलोमीटर, पूरे किलोमीटर के लिए क्या क्या डेटा इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, देखें टोटल नंबर ऑफ पीक्स। पीक जो होती है हमारी जो एक्सेलरेशन होती है, वर्टिकल और लैटरल एक्सेलरेशन जो हमारी टीआरसी की होती है उसकी बात हो रही है, तो उसमें टोटल कितनी पीक आई, किसके ऊपर, अबव नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट, NBML के नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट एक डेटम है, उसके ऊपर कितनी नंबर ऑफ पीक्स आई है एक किलोमीटर में वो रिकॉर्ड करेगा। किस चीज के लिए, अलाइनमेंट और अनइवननेस। अलाइनमेंट की जब हम बात करते हैं तो बात हो जाती है कि हमारे अलोंग द लेंथ, और अनइवननेस की बात यानी कि हमारे ट्रैक में जो है अप्स एंड डाउन्स के बारे में। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीक्स अबव NBML यानी नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट की जो वैल्यू होगी, वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी उसके ऊपर कितनी पीक गई, एक पर्टिकुलर लिमिट तक इट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन वो जो नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट की एक लिमिट है उस लिमिट के ऊपर कितनी नंबर ऑफ पीक बनी है, तो ये हो गया। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ पीक्स अबव नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट एंड अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट किसके लिए, ऑन शॉर्ट बेस फॉर ट्विस्ट। यहाँ पे बात अलाइनमेंट और अनइवननेस की हो रही थी, तो यहाँ पर डेटा लिया था नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट के ऊपर, और यहाँ पर दो फैक्टर्स है नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट और अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट, इन दोनों के ऊपर शॉर्ट बेस्ड किस चीज के लिए, ट्विस्ट के लिए। नेक्स्ट वो कहता है टोटल नंबर ऑफ पीक्स अबव नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट एंड अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट फॉर गेज, यानी कि जो है नंबर ऑफ पीक्स किस किस चीज के लिए कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे हम देखते हैं। अगला पॉइंट और ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीक्स अबव UML अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट फॉर वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो हमारा नंबर ऑफ पीक्स जो है चार चीजों के लिए यहाँ पर ट्रैक किलोमीटर के लिए रिकॉर्ड किया है। पहला अलाइनमेंट और अनइवननेस के लिए हो गया, दूसरा नंबर ऑफ ट्विस्ट अबाउट NBML एंड UML किसके लिए, ट्विस्ट के लिए, तीसरा जो है नीड बेस्ड मेंटेनेंस और UML के ऊपर है वो है हमारे गेज के लिए, और चौथा हमारा जो है नंबर ऑफ पीक्स वो वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन, यहाँ पर वो अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट है। ये जो अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट के ऊपर नंबर ऑफ पीक्स आती है, यही जो है दोस्तों हम जो है बहुत इसके ऊपर हम गौर फिकर करते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि ये जो लिमिट के ऊपर जब गया तो वहां पर कॉशन ऑर्डर इम्पोज करना पड़ता है, तो पैच अटेंड करना पड़ता है। जहां पर भी UML आता है अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट के ऊपर जो पीक्स आती है वर्टिकल और लैटरल एक्सेलरेशन की, हमें वहां पे कॉशन ऑर्डर इम्पोज करना पड़ता है, वहां पर काम करके कॉशन ऑर्डर को फिर रिलैक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आ गया पैरामीटर इंडाइसेस फॉर अनइवननेस एंड अलाइनमेंट, इसमें कुछ खास नहीं है। अगला है ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स, TQI जिसे कहते हैं,
ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स, ये दो कॉर्ड पे निकाली जाएगी, शॉर्ट कॉर्ड और लॉन्ग कॉर्ड दोनों पे निकाली जाएगी। अगर ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स शॉर्ट कॉर्ड का है तो उसे हम कहेंगे टी क्यू आई एस, और अगर हमारा ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स लॉन्ग कॉर्ड का है तो टी क्यू आई एल, इस तरीके से। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स फॉर सेक्शन हैविंग स्पीड मोर देन 100 kmph। ये अगर आप गौर करेंगे तो 200 मीटर के ब्लॉक में भी ये चीज थी, ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉर्ड में और कॉम्पोजिट ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स, ये चीज जो है दोनों जगह पर हमने अगर गौर किया होगा तो ये दोहराई गई है। ठीक है, ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स हमारा हो गया, स्पीड भी वहां पर सेम टू सेम था, एवरेज स्पीड जब टीआरसी की स्पीड पर रन कर रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा और क्या बातें हैं, वर्टिकल एंड लैटरल राइड इंडेक्स ऑन कोच फ्लोर, वर्टिकल राइड इंडेक्स और लैटरल राइड इंडेक्स कोच फ्लोर पे अबव बोगी पिवट यानी एक्सेलेरोमीटर से जो है कितना राइड कंफर्ट है, कितना गाड़ी जो है स्वे होती है उसके अगेंस्ट, इसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पीक वैल्यूज की बात हो रही है तो जरा मैं इसको एक साथ ऊपर ले लेता ताकि आपको समझाने मुझे आसानी हो जाए। 10 हाईएस्ट पीक्स कितनी बार लिखा, देखो 10 हाईएस्ट पीक वैल्यूज ऑफ अलाइनमेंट एंड अनइवननेस पैरामीटर्स, दूसरा है 10 हाईएस्ट पीक वैल्यू ऑफ ट्विस्ट पैरामीटर, तीसरा है 10 हाईएस्ट पीक वैल्यू ऑफ वेरिएशन ऑफ गेज, चौथा है 10 हाईएस्ट पीक वैल्यू ऑफ वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन, नेक्स्ट है 10 मैक्सिमम पीक वैल्यूज ऑफ ट्विस्ट ऑन शॉर्ट बेस एक्सक्लूडिंग यूएमएल, नेक्स्ट है 10 मैक्सिमम पीक वैल्यूज ऑफ गेज, फिर लास्ट है 10 मैक्सिमम पीक वैल्यूज ऑफ वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन। ये सारे पीक की वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड करता है हमारा टीआरसी। इसको फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपका जो ट्रैक में अलाइनमेंट और अनइवननेस के पैरामीटर जो भी होंगे उसके पैरामीटर्स के हिसाब से 10 हाईएस्ट पीक वैल्यूज हमारे ट्रैक में कितनी आई है बेस्ड ऑन लॉन्ग कॉर्ड एंड शॉर्ट कॉर्ड दोनों को मिला के, इन्हें मेजर कहाँ किया जाएगा, एच एट एवरी 50 मीटर ब्लॉक ऑफ अ किलोमीटर, यानी एक किलोमीटर है तो 20 जगह पर 50 50 किलोमीटर 50 50 मीटर के हिसाब से 20 जगह पर ये आपका डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। ये किसके लिए है, ये है हमारा अलाइनमेंट एंड अनइवननेस के बारे में। नेक्स्ट है 10 पीक वैल्यू, 10 हाईएस्ट पीक वैल्यू ऑफ ट्विस्ट पैरामीटर विद लोकेशन ऑन शॉर्ट बेस आउट ऑफ मैक्सिमम पीक वैल्यूज मेजर्ड फॉर ईच 50 मीटर ब्लॉक ऑफ अ किलोमीटर। इसी तरह से वेरिएशन ऑफ गेज के बारे में, अलाइनमेंट हो गया, अनइवननेस हो गया, ट्विस्ट हो गया, अब वेरिएशन ऑफ गेज के बारे में यहां पर भी सेम टू सेम इसी तरीके से है, मैक्सिमम पीक वैल्यू फॉर ईच 50 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट अगेन 10 हाईएस्ट पीक वैल्यू ऑफ वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन, वर्टिकल यानी गाड़ियों के जंप होने के टाइम ऊपर नीचे होती है तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन वैल्यू है उसकी 10 पीक वैल्यू, ये भी अगेन 50 मीटर के लिए ईच 50 मीटर ब्लॉक ऑफ अ किलोमीटर के लिए ही है, और लैटरली गाड़ी जो हमारी स्वे होती है उसे कहा जाता है लैटरल एक्सेलरेशन, इनकी वैल्यू। नेक्स्ट 10 मैक्सिमम पीक वैल्यूज ऑफ ट्विस्ट ऑन शॉर्ट बेस एक्सीडिंग यूएमएल, यानी कि अगर कहीं ट्विस्ट है उसमें जो अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट की जो वैल्यू है अगर वो एक्सीड कर जा रही है उसकी जो 10 वैल्यू जो है यूएमएल के ऊपर जो भी आएगी वो आधार पर डेटा लिया जाएगा। नेक्स्ट 10 मैक्सिमम पीक वैल्यूज ऑफ गेज ओवर नॉमिनल गेज एक्सीडिंग यूएमएल, यानी कि अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट में जो गेज की बात हुई है उससे ऊपर यानी 1676 के ऊपर 10 पीक वैल्यू जो आप बहुत ज्यादा वेरिएशन है वो। लास्ट पॉइंट जो है दोस्तों इसके अंदर है 10 मैक्सिमम पीक वैल्यूज ऑफ वर्टिकल एंड लैटरल एक्सेलरेशन एक्सीडिंग यूएमएल विद लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर दोनों दो पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट नंबर एम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी करीब ऐसा ही है,
10 highest peak values of vertical and lateral acceleration with location to maximum peak values measured for each 50 meter block of a kilometer. With location out of the maximum peak values measured for each 50 meter. Tha, aur yahan par khali urgent maintenance limit ke bare mein baat ki ja rahi hai. ठीक है तो ये तो दो तरीके हो गए रिपोर्ट जनरेशन के एक एवरी 200 मीटर्स पे था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फिर एवरी 1 किलोमीटर में क्या क्या डेटा रिकॉर्ड होता है हमारे टीआरसी से उसके बारे में भी हमने देख लिया अब आगे नीचे पॉइंट पढ़ते हैं इसमें बिकॉज ये हमारे ट्रैक रिकॉर्डिंग कार जो चलाई जाती है आरडीएसओ द्वारा इसके अंदर कुछ डिवीजन को इंस्ट्रक्शन जो भी उनके ट्रैक में खराबी है मकसद हमारा क्या है सिर्फ रन करके डेटा लेके बैठना नहीं हमारा मकसद ये है कि इसके जो आपके जो आपको आउटपुट मिलेगा रिपोर्ट में से उसको जो है आप जहां पर भी हमारे से गलती हो रही है कोई गलत प्रैक्टिस है तो उसको रेक्टिफाई किया जाए ठीक है नेक्स्ट यहां पे है क्या एसएमएस अलर्ट्स इसके लिए क्या तैयारी है एसएमएस अलर्ट वुड बी जनरेटेड फॉर केसेस ऑफ एक्सीडेंस ऑफ अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट यानी सेफ्टी का मैटर है तो यहाँ पर जहां पर भी यूएमएल की वैल्यू होगी उससे ज्यादा अगर कहीं पर खराबी ट्रैक में दिखाई देती है और टीआरसी चलती है तो टीआरसी क्या करेगी वो सीधे टीएमएस आपका जो ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है तो उससे जो कंसर्न जेईपीवे पीडब्ल्यूआई उसको जो है मैसेज चला जाएगा इसी तरह एसएससी पीडब्ल्यूआई को चला जाएगा एडीएंस आपको चला जाएगा सेक्शनल डीएन सीनियर डीएन जो होंगे उनका जाएगा और साथ ही साथ में सीनियर डीएन को भी इंस्ट्रक्शन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम हो गई है नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हम लोग पैरा नंबर 510 पैरा नंबर 510 के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो बात करता है एक्शन टू बी टेकन आफ्टर ट्रैक रिकॉर्डिंग बाय टीआरसी यानी टीआरसी चलाने के बाद में क्या काम हमें करना है टीआरसी जब चलेगी तो कुछ ना कुछ रीडिंग्स देगी उसके आधार पे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे काम खराब है उसको रेक्टिफाई करना है तो यही से यहाँ पर एक्शन क्या लेना है तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है स्पॉट्स और ब्लॉक्स रिक्वायरिंग अटेंशन एज पर पैरामीटर लिमिट्स एंड एक्सेलरेशन पीक लिमिट सेट एज यूएमएल शुड बी नोटेड बाय एडीएन एंड एसएससीपीवे अकंपनिंग द कार ऑफ गिविंग कार फॉर गिविंग रिक्वायर्ड एक्शन और अटेंशन यानी कि जहां पर भी अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट के ऊपर खराबी ट्रैक में देखने को मिलती है तो ये जो यहां पर जो भी तकलीफ है इसको इस जिम्मेदारी एएन और एसएससीपी में इंचार्ज को दी गई है यहां पे जो टीआरसी कार को अकंपनी करता है ठीक है नेक्स्ट ट्रैक रिकॉर्डिंग रिजल्ट शुड बी अपलोडेड इन टीएमएस जो भी रिजल्ट आएगा आरडीएसओ की व्हीकल से चल के जो भी रिपोर्ट आती है तो उसको क्या करना है दैट रिपोर्ट हैज टू बी अपलोडेड इन टीएमएस बाय पीडब्ल्यूआई इंचार्ज ऑफ टीआरसी आफ्टर एंड ऑफ डेज रिकॉर्डिंग एंड बी एनालाइज इन द डिविजनल ऑफिस यानी कि जहां कहीं भी हमारे ट्रैक में डेटा मिलता है हमारे रिकॉर्डिंग का रन का उसको टीएमएस में पीडब्ल्यूआई इंचार्ज द्वारा लोड किया जाएगा ठीक है और उसकी जो एनालिसिस डिवीजनल ऑफिस में की जाएगी उनको कुछ वहां पे एनालिसिस नहीं करना उनको खाली क्या करना है डेटा को टीएमएस से अपलोड कर देना है नेक्स्ट काम क्या है अ कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ईच सेक्शन शैल बी मेड विद द प्रीवियस रन यानी इसके पहले जब टीआरसी चली थी उस टाइम पे जो हमारा जो रिकॉर्ड था वो और आज जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोनों को क्या करना है हमें कंपेयर करना है नेक्स्ट Analysis shall be done for identifying blocks or location needing planned need based and urgent attention. इस रिपोर्ट के आधार पे हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ब्लॉक या कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जहां पर नीड बेस्ड मेंटेनेंस करना पड़ेगा या अर्जेंट अटेंशन हमको ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है इसके बारे में यहाँ पर एक डिस्कस होगा अगला पॉइंट है Analysis of data to generate various reports or charts using TRC offline software through TMS to take up the maintenance and precautionary need action as detailed. यानी कि यहाँ पर बात हो रही है analysis of data की अलग अलग report बनने की TRC software के द्वारा तो उसके आधार पर हमें क्या करना है काम करना है ठीक है
अगला कहता है मेंटेनेंस यूनिट शैल टेक एक्शन फॉर मेंटेनेंस इन डिटेल इन पैरा 523। पैरा 523 में मैनुअल कहता है किस तरीके से काम करना है। अब अगर हम बात करेंगे पैरा 523 की, पैरा 523 की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो मैं आपको बता रहा था जो है यूएमएल यानी अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट, एनपीएमएल नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट, पीएमएल सॉरी यूएमएल अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट, ये सारी अलग अलग जो लिमिट्स है इनके बारे में पैरा 523 में पैरा नंबर 523 में दिया गया है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ 523 एक्शन टू बी टेकन बेस्ड ऑन टीआरसी रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ में अगला जो हमारा पैराग्राफ है पैरा नंबर 511, ये जो है हमारा जो अलग अलग हमारे ट्रैक का जो कंडीशन है ना अलाइनमेंट इंडेक्स अनइवननेस इंडेक्स, इसके बारे में यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। शॉर्ट कॉर्ड किस तरीके से निकलेगा उसका फॉर्मूला दिया है, लॉन्ग कॉर्ड मेथड से अलाइनमेंट में क्या गड़बड़ है उसके बारे में दिया है, इसी तरीके से अनइवननेस के लिए क्या क्राइटेरिया है, नीड बेस्ड मेंटेनेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है जिसके अंदर शॉर्ट कॉर्ड और लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो इस वीडियो में इतना काफी है। आज मैंने सिर्फ आपको रिपोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को आगे की जो चीजें हमारे मैनुअल में दी गई है इन डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।